आपका एक साल बीतता है तो पितृलोक का एक दिन होता है। तो साल में एक बार ही आप करते हैं तो वो लोग तृप्त हो जाते हैं। और श्राद्ध में अगर तुलसी का उपयोग किया जाए तो वो कल्प पर्यंत तृप्ति देने वाला श्राद्ध हो जाता है। श्राद्ध काल में 7 विशेष शुद्धियों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो नहा धोकर शरीर शुद्ध हो, दूसरे श्राद्ध की द्रव्य वस्तु शुद्ध हो, तीसरा स्त्री शुद्ध हो, मासिक वार्षिक में ना हो देवी, चौथा भूमि जहाँ श्राद्ध करते हैं वो शुद्ध हो, गोझरण से गोबर से लीप कर जाओ तिल छाट कर, चौथा मन को भी शुद्ध रखें, पांचवा मंत्र शुद्ध उच्चारण करें, छठा ब्राह्मण भी शुद्ध भाव वाला हो, मुंह में पान मसाला पड़ा हो और नहीं चलता। वो शास्त्र में नहीं लिखा, पान मसाला मैंने मिलाया है। 3 चीजें श्राद्ध में प्रशंसीय है, एक तो शुद्धि, दूसरा अक्रोध और तीसरा अत्वरिता, जल्दबाजी नहीं। और 3 चीज श्राद्ध में पवित्र, तिल श्राद्ध में पवित्र है, बेटी का बेटा श्राद्ध कराता है धोत्र पवित्र माना जाता है, और कुत्पक काल पवित्र माना जाता है। 11:36 से लेकर 12:24 तक वो विशेष काल माना जाता है, फिर थोड़ा पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इस काल में श्राद्ध की विशेष पवित्रता होती। श्राद्ध करते करने के आरंभ में और अंत में इस श्लोक का उच्चारण करने से श्राद्ध की त्रुटि क्षम्य हो जाती है, पितर प्रसन्न हो जाते हैं और आसुरी शक्तियां जो छीन ले वो भाग जाती है। देवता भ्य पितृ भ्यश्च महायोगी भ्य एवच नमः स्वध्याय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ये श्राद्ध की पुस्तक अपने आश्रम की है, उसमें भी मंत्र लिखा है। श्राद्ध के आरंभ में, श्राद्ध के अंत में 3 बार ये मंत्र उच्चारण करना विशेषित कार्य माना गया है। गया तीर्थ में, पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग तीर्थ में, हरिद्वार तीर्थ में श्राद्ध करना पवित्र ब्राह्मणों के द्वारा, जिसकी नजर हमारी जेब पे ना हो लेकिन नियम निष्ठा पे हो, वैसे ब्राह्मण इन तीर्थ क्षेत्रों में मिल जाए तो अच्छा। जहां गौशाला हो, देवालय अथवा नदी तट हो, वो भी श्राद्ध के लिए उत्तम जगह मानी जाती, नहीं तो अपने घर में भी लीपण भीपण करके परमात्मा देव के नाम से पानी छिटक के गोधूली आदि से लीपण करके फिर करे तो भी चल जाता है। श्राद्ध से पिता माता दादा दादी नाना नानी कुल खानदान के लोगों को तर्पण देने से उन्हें तृप्ति होती है। आपके घर मेहमान आ गए 25, आपने सबके लिए खान पान की सलाह की, किसी ने खाया किसी ने नहीं खाया, लेकिन आपके मधुमय व्यवहार से सब तृप्त होकर गए, नम्र व्यवहार से, शुद्ध व्यवहार से। जो तृप्त होकर गए 5, 25, 100, अभी यहां जितने भी लोग हो, आपको मैं खिलाता नहीं हूं, कुछ बाहर की चीज देता नहीं हूं, लेकिन आपके मंगल, आपका मंगल इस भावना से बोलता हूं और आप लोग तृप्त होकर जाते हैं।
तो बदले में आप क्या देते हैं, मेरे लिए क्या क्या तृप्ति की भावना कर जाते हैं, बापू अच्छे हे भगवान बापू हमारे स्वस्थ रहेंगे, तो आपका संकल्प भी तो काम करता है। तो जैसा आप देते हैं वैसा अनंत गुना आपको मिलता है। तो श्राद्ध करने से पितरों को आप तृप्त करते हैं तो वो भी आपको तृप्ति की भावनाओं से तृप्त करते हैं।